अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू द चैनल मंजू। तो बस हम तो कैसे हैं आप सब, उम्मीद करता हूँ हैरियत से होंगे। तो सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत ज़्यादा ईद मुबारक हो। मैं बहुत लेट वीडियो बना रहा हूँ तो इसलिए माजरत। काफ़ी ज़्यादा मैं तकरीबन ईद के 3 दिन पहले और यहाँ तक जितना भी टाइम गुजरा मैं बहुत ही ज़्यादा बिजी था, तो जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया दोनों चैनल्स पर। एक तो बहुत बड़ी गलती मैंने की कि मैंने 2 चैनल स्टार्ट किए, जिसकी वजह से मुझे टाइम सही तरह नहीं मिलता। बट क्या करें, करना पड़ता है। उस चैनल पर भी वीडियोस नहीं आ सकी ईद की, हालांकि मैंने उसके लिए स्क्रिप्ट वगैरह और वीडियोस वगैरह चूज़ करके रखी थी, बट नहीं बन सकी क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। और इस चैनल की भी मैंने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो बनाकर रखी थी कुर्बानी के लिहाज से, बट वो भी नहीं बन सकी क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी था, तो जिसकी वजह से वीडियो नहीं बन सकी। तो अब मिला है भाई को टाइम थोड़ा सा, क्योंकि इसके बाद भी एक बकरा है कुर्बानी के लिए करना है, क्योंकि ईद के पहले दिन की कुर्बानी और उसके बाद दूसरे दिन कुछ काम था दुकान पर, वहाँ पे चले गए, और तीसरा दिन यहाँ पर। अब ये टाइम भी हम दुकान पर ही थे, अब बकरा करना था क्योंकि आज लास्ट दिन है, तो कुर्बानी तो करनी थी एक और, तो वो करनी है। तो इसके लिए भी थोड़ा सा टाइम निकाला है आपसे बात करने के लिए, ताकि आप सबको मुबारकबाद दे सकें। वो कहते हैं ना कि फ़ायदा ही नहीं कि सारा साल आपके साथ वीडियोज़ बनाता रहो, आप देखते नहीं, और कुर्बानी पर आप मैं आपको विश न कर सकूँ। तो आप सबको मुबारक हो बहुत बहुत ज़्यादा। तो उम्मीद है आप सबको ईद में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया होगा, और 2020 के हिसाब से ये ईद उम्मीद है आप सब के लिए अच्छी रही होगी, क्योंकि 2020 में काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ सैड ही सुनने को मिली हैं। तो शायद ईद उल फितर और ईद उल अज़हा हम सब के लिए खुशी का पल हो। तो आप सबको तीसरी बार कह रहा हूँ बहुत बहुत ईद मुबारक, और बहुत लेट आया हूँ, मगर इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आगे वीडियोस बनाता रहूँ। और वीडियोस तो बनानी है भाई, कुछ भी हो जाए वीडियोस तो बनानी है, मगर टाइम नहीं मिलता, तो माजरत। तो यही कुछ था, आपको मुबारकबाद देनी थी जिसकी वजह से मुझे वीडियो बनानी पड़ी, लेकिन कोशिश करेंगे 1-2 दिन तक वीडियो आएगी इस चैनल पर भी और दूसरे पर भी। स्क्रिप्ट वगैरह पूरी वीडियो का शूट करना वो अभी तक डिसाइड नहीं किया, बट करनी तो है ना, तो इसके लिए कुछ भी चलेगा, मेहनत करनी है। बस यही कुछ था, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा दोस्तों, और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। तो फाइनली ये लास्ट बकरा था तो इसे करने लगे हैं, आज तीसरा दिन है। हालत आप देख सकते हैं, दोबारा वो पुराने कपड़े पहन लिए हैं और ऊपर से माइक भी सही नहीं है, क्योंकि ये लास्ट था तो इसे आज कुर्बानी करेंगे, तो उसके बाद ख़त्म। ठीक हो गया ना, आज कुर्बानी का भी लास्ट डे था, तो आवाज़ जैसी भी है यूज़ करें, क्योंकि मैं सिर्फ मोबाइल का साउंड यूज़ कर रहा हूँ, वो माइक वगैरह नहीं लगाया। तो ये कुछ था।